गुंजा, गुंजा लुलांग इस चित्र की एक आदिवासी नायिका। इस काल्पनिक चरित्र की मृत्यु हो गई है, बल्कि उसने आत्महत्या की। कारण केवल इतना ही था कि वो जानना चाहती थी समाज के एक बड़े सत्य को। एक और एक दो होते हैं। आज भी इसी तरह हजारों हजारों गुंजा जैसी हैं, जो इस सत्य को जानने से पहले ही अपने आंसुओं के समुंदर में डूब गई। हमारा ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम कम से कम एक को भी इस सत्य को जानने में मदद कर सकें। गुंजा के माई बाप और गांव वाले हैं। इनसे कहिएगा कल आइए, सामान निकलवा लीजिए गाड़ी से। ए, सामान निकाल के अंदर रखो। अरे आप लोग कल आना, अभी बहुत अंधेरा हो गया है। बाबू जंगल में अंधेरा कैसा, हम कल सवेरे मिलके जाएंगे। नहीं नहीं जाओ, कल सुबह आना। मैडम आपसे कल सुबह मिलके ही जाएंगे। उनसे कहिएगा बाहर ना बैठे, अंदर आके बैठ जाए। अच्छा कह देता। आप गुंजा के पिताजी हैं ना? आपका नाम? बुधिया। आपको क्या लगता है गुंजा ने आत्महत्या की थी? मगर आपको क्यों लगता है कि उसने अपने आप को नहीं मारा? लोग तो सब यही कह रहे हैं। वो तो जीना चाहती थी, मेरी गुंजा को जिंदगी से बहुत लगाव था। वो अपने आप को कैसे मारे? क्यों?
किधर गई थी रे? बापू यही कहा है। ये तो तोते का पंख है। बापू तुम मुझे तोता ला के दोगे? तोता ला देंगे, ला देंगे। बापू ये पत्ता लाल और ये पत्ता हरा क्यों है? ये हमको कहा पता बेटी, जाऊ पेड़ से ही पूछ ले। बापू तुम तो कुछ जानते ही नहीं। ना जाने का है के दिमाग में हरदम उल्टा पुल्टा सवाल करती रहती है। चल बैठ जा, खाना खा ले। ए माई, तू गुस्सा क्यों करती है? दे जवाब अपनी बेटी का। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब सवाल करना बंद कर देगी। आपका नाम क्या है? हम गुंजा की माई हैं। पर आपका नाम तो होगा? हम गुंजा की माई हैं। वो के मरने के बाद से हरदम यही कहती है। अच्छा मुझे आप पढ़ लिख सकते हैं क्या? नहीं साहब, हम लुलांग लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक बखत की रोटी मिले। लेकिन गुंजा तो पढ़ लिख लिया था उसने। साला हिसाब मत है, हिसाब देख साला तेरा हिसाब देख। साला हिसाब अनपढ़ कहा था, हिसाब मत है। उस रोज लिया था 5 रुपया, कल लिया था 3 रुपया, ले ये तेरा 1 रुपया हो गया। साला हिसाब मत। बापू वो 1 रुपया मैं रख लूं? हाँ रख लो रख लो। अरे इतनी सी बात पर काम उलटकाए हो, जल्दी जल्दी चलो, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा जंगल में। Five, six, seven, eight, nine, ten.
दस के बाद क्या होता है ये समझने के लिए गुंजा को ज्यादा दिन नहीं लगे। फूल ने जिंदगी के हिसाब समझ ली। स्कूल गई, कॉलेज गई, मोटी मोटी किताबें पढ़ी और मर गई। हमारी तरह अनपढ़ होती तो जिंदा रहती। गुंजा के माँ बाप की दर्द भरी निगाहों ने मुझे बेचैन कर दिया। जैसे पूरी दुनिया का दुख उनमें समा गया है। उनके चेहरे का खालीपन इस बात का सबूत है कि वो मानते हैं कि गुंजा ने आत्महत्या नहीं की। पर ये सच है या नहीं ये मेरी रिपोर्ट ही बताएगी।
नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए। आप गुंजा के दाद काका है ना? आइए बैठे, बैठे प्लीज, आइए। आपके बारे में बहुत सुना है, आप ही ने गुंजा को पढ़ा लिखा है ना? कर रही हो? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? यहाँ इस जंगल में? स्कूल क्यों नहीं गई? स्कूल गई थी, मास्टर जी ने भगा दिया। मास्टर जी ने भगा दिया? भला क्यों भगा दिया? लुलांग है तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम लोगों को पढ़ने का कोई हक नहीं। पढ़ने का कोई हक नहीं लुलांग लोग? क्या नाम है तुम्हारा? गुंजा, गुंजा लुलाम। चल बेटी मेरे साथ चल, मैं ले जाता हूँ तुझे स्कूल। आ आजा, आजा मेरे साथ चल। मेरे घर आओगी? देखो 5 बजे उठूंगा। ऐसा करो तुम कल सुबह 7 बजे आ जाना। अरे तू अभी से ही आ गई, मैंने तो तुझे 7 बजे बुलाया था। अच्छा बता, ये जो सफाई है वो आपने की है? हाँ। और पानी भी आपने भरा है? हाँ। ये सब आपने क्यों किया? ये तो मेरा काम है। मैंने इसलिए किया क्योंकि उस समय आप मुझे पढ़ा सकते हैं। तुझे पढ़ने का बहुत शौक है? हाँ। आज तो यहाँ आराम से बैठ बैठ, एक मिनट बैठ, मैं अभी आया। हाँ देख, मैं तेरे लिए नई स्लेट लाया हूँ। हाँ? और ये कलम। हाँ लिख। शाबाश। शाबाश। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, इस बच्ची को स्कूल में भर्ती कराना है। ए जाग बाबू, आप भी सठिया गए हैं जो इस जंगली को ले आए स्कूल में भर्ती कराने को? क्यों, क्या बुराई है इसमें? अरे ये तो लुलांग है, ये तो चोर लोग। गुप्ता जी आप भी पुरानी राग अलाप रहे हैं। हम आजाद देश में रहते हैं, हमारे देश को आजाद हुए 45 साल हो गए। ये तो अंग्रेज लोग थे जो इन्होंने इनको बदनाम किया, इनकी जात को बदनाम किया। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप तो यहीं बड़े हुए हैं, आपने कभी देखा है इन्हें चोरी करते हुए? इनके दादा नाना नानी किसी को चोरी करते हुए देखा है? इन्होंने अपना पेट ईमानदारी और मेहनत से भरा है। बच्ची पढ़ना चाहती है और आप शिक्षक हैं। ठीक है डाक बाबू,
आप जब बोलते हैं ठीक है, कल से इसको भेज दीजिएगा। घर में कौन नहीं कहा? अरे वो गुंजा की माई पानी ला दे। अरे वो करम जली, इतना काम चल हुई है कि बापू को पानी तक पिलाए ना, ना अपनी छोटी बहन को संभाले। अरे ये परे वाले से कुछ ना होए, अरे ये सबसे पेट भरेगा का? काहे इतना गुस्सा करिए ऊपर? पढ़ने दे ऊ के, हम ना पढ़े, हमारे बाप दादा ना पढ़े, ऊ को तो पढ़ने दे दे। देखे पढ़ लिखे का करे हमारे लिए। तू पढ़ रही पढ़, फिर ऊ वाला उल्टा पुल्टा सवाल हमें ना पूछे। गुंजा, अरे ओ गुंजा की माई, गुंजा कहाँ है? हम पूछे गुंजा कहाँ है? अरे वो कहाँ है हमसे कहाँ पूछे? डाक बाबू से जाके पूछ, जिनका घर में गुंजा काम करे, घर साफ करे, पानी भरे और यहाँ घर में पढ़ाई का धूम करे। अरे डाक बाबू वो का माँ बाप होया, हम उसका कर छुनाई। अरे इतना गुस्सा काहे करी रहे? वो डाक बाबू ही तो है जो ऊ के पढ़ाए लिखाए, ऊ के स्कूल में पैसा दे अपनी पगार से। डाक बाबू के घर में गुंजा काम करे तो का हुआ? तो तू हमसे का पूछे गुंजा का है, गुंजा का है? तो ना पूछेंगे, आगे से ना पूछेंगे हम। दीजिए एक थप्पड़ पड़ेगी, चला अंदर आप। सब याद है ना? चले धीरे धीरे गुंजा मेरी आंखों के सामने बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। चाचा, यार मौसी क्या होंगे? अरे चाचा आप यहाँ लेते और मैं आपको आपके घर ढूंढने गई थी। मैं सोच रही थी पता नहीं चाचा कहाँ मिलेंगे अब मुझे।
आज पता है स्कूल में क्या हुआ? मैं जब क्या हुआ चाचा, तुम तो उदास उदास क्यों बैठे, बताइए ना मुझे। शहर गया था, कलेक्टर साहब ने बुलाया। तो वो तुम्हारे स्कूल का इंस्पेक्टर है ना, उसने मेरी जरा सी तारीफ क्या कर दी कलेक्टर के सामने। कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया, जाओ और लुलांग बच्चों को जाकर पढ़ाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या बहुत अच्छा हुआ? ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं भला डाक बाबू, मैं मास्टर थोड़े ही हूँ। पर चाचा आपने मुझे भी तो पढ़ाया ना। तुम्हारी बात अलग थी। अरे कैसे अलग थी, मुझे ना रूम में क्या फर्क है। मैं कोशिश कर चुका हूँ, वो भला मेरे पास क्यों आएंगे, अपना काम धंधा छोड़कर मेरी बात क्यों मानेंगे। चाचा वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तुझे लगता है वो लोग आएंगे? हाँ चाचा जरूर आएंगे। तब तो मैं उन्हें जरूर पढ़ाऊंगा। तो चलिए चाचा अभी से काम शुरू करते हैं। कोई नहीं आएगा चाचा, वो जरूर आएंगे। तुम क्यों सिद्ध कर रही हो? कोई नहीं आएगा चाचा, कल हम दोनों मिलकर जाएं, उनसे एक बार और बात कर ले। ठीक है तुम कहती तो एक बार कोशिश और कर लेते। परशु कल रात तुम डाक चाचा के पास पढ़ने क्यों नहीं आए? पता है डाक चाचा जो पहली बार मुझे स्कूल लेके गए थे तो मास्टर क्या बोला था? बोला तुम लोग चोर हो, जंगली हो। अरे तू क्या पढ़ेगी? कोई तो मिला है जो हमें पढ़ाना चाहता है, तुम लोग क्यों नहीं समझते? देखो हर किसी का हक है पढ़ना, और ये जो महाजन लोग है ना, ये लोग चाहते हैं कि हम ना पढ़ें। पहले हमारे से इतना कुछ छिन चुका है, अब जो बचा खुचा है उसे भी गवा दे क्या? देखो हर किसी को पढ़ने का हक है, हम पढ़ लेंगे तो महाजन जैसों की चालाकियां समझ जाएंगे, और इसीलिए तो वो नहीं चाहते कि हम पढ़ें। तो पहले ही कितना कुछ हमसे छीन चुका है, अब जो बचा खुचा है उसे भी गवा दे क्या? हमें पढ़ लिख कर बीडीओ या कलेक्टर नहीं बनना, ना ही अपना जंगल छोड़ शहर जाना है। हम यहीं रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद है बाबला की नानी कैसे मरी थी? मलेरिया से। पढ़ेंगे तो ये तो जानेंगे कि मलेरिया क्या है, इसके लिए क्या करना है, वरना बस इसी तरह मरते जाएंगे और अपनी किस्मत को रोते रहेंगे। पर ये सब बदल सकता है। आओगे ना डॉक्टर चाचा के पास पढ़ने? चलिए डॉक्टर चाचा।
चाचा आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या बात? मेरे पास गणित की किताब नहीं है ना, इसलिए मास्टर जी ने मुझे आज बहुत डांटा, सारे बच्चों के सामने डांटा। सबको सब नहीं मिल जाता है बेटी, किसी के पास कागज होता है तो पेन नहीं होता, पेन होता है तो उसमें स्याही नहीं होती। ये तो सब तेरी जिंदगी का हिस्सा है। चाचा मैं एक बात सोच रही थी। बोलो। क्लास में जो पहले नंबर पे आता है वो क्या सबसे ज्यादा समझदार है? नंबरों से प्रथम आना या द्वितीय आना कोई समझदारी की निशानी नहीं है। तो फिर मेहनत, लगन, आगे बढ़ने की इच्छा मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, मेरे लिए तो तुम ही सबसे प्रथम हो। क्या हुआ गुंजा? मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई। क्या? मुझे मुझे पता था, मुझे इस दिन का इंतजार था बेटी। चाचा साहब आप ही की वजह से तो हुआ है। मधुआ, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हम अपनी गुंजा को कॉलेज भेजेंगे। कॉलेज? ना, शहर में? ना, ना, पढ़ाई बहुत हो गई ना बुधवा। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, हमें अपनी गुंजा को कॉलेज भेजना है। डाक बाबू, मैं बुद्धू जरूर हूँ, पागल नहीं। इतना पढ़ेगी तो लड़का नहीं मिलेगा, कॉलेज जाएंगे। हमको आज की रोटी का पता नहीं। देख, हमारी गुंजा स्कूल गई और पढ़ी, एसएससी पास किया, तुझे कभी कोई तकलीफ हुई? तकलीफ तो आपको हुई है, अपना पेट काट कर उनको पढ़ाए, किताब खरीदे। अब कॉलेज की पढ़ाई करोगे तो खुद का फांके मारोगे। तू बुद्धू ही नहीं पागल भी है। अरे कॉलेज का खर्चा मुझे थोड़ी उठाना है, कॉलेज का खर्चा तो सरकार उठाएगी। देख देख बुधवा, हमने इतनी मेहनत करके हमारी गुंजा को पढ़ाया है, अब बढ़ने दे उसे आगे। शहर में जाएगी अकेली लड़की, 10 कोस दूर, कैसे आएगी कैसे जाएगी? उसकी चिंता तुझे नहीं करनी है, मुझ पे छोड़। पचास और पचास, 100 डाकखाने में है, 50 कहीं से उधार ले लूंगा। साइकिल करीब 250 की होगी, हो जाएगा। गुंजा, देख तेरी। हाँ, तू साइकिल पे जाओगी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। क्यों, क्या आपने चाचा? बेटी, तेरा चाचा जितना कुछ कर पाया है बस। नहीं करना चाहिए था आपको। अरे जिंदगी इतनी आसान नहीं है, जिंदगी की इस बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए अभी तो यह तो एक छोटा सा हथियार है। तुझे बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। हाँ, अच्छा चल चल चल, कोशिश करते हैं। आजा आजा। हाँ चले। आज मैंने एसएससी पास कर ली,
और मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन मैं शायद ही एसएससी पास करती अगर डाक चाचा का सहयोग नहीं होता। शायद ही मैं स्कूल जाती और पढ़ती। उन्होंने जो मेरे लिए कुर्बानियां दी हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। मैं उनकी क्या लगती हूँ? कुछ भी तो नहीं। फिर उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? कौन करता है इतना सब कुछ? कोई नहीं करता। बचपन में मेरे अंकल मुझे उस वक्त इंस्पायर किया करते थे जब मैं बहुत उदास हो जाया करती थी। कहते थे, तुम अगर अपनी मदद खुद नहीं करोगी तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। खुद अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करो। अगर गुंजा के डाक काका मेरे अंकल की तरह है तो क्या मैं गुंजा लुलांग की तरह हूं? जी नमस्ते, मैं अनीता सक्सेना हूँ। ओहो नमस्कार, आपके बारे में तो पूरा इलाका जान चुका है। एक मिनट। आइए बैठिए। चाय लीजिएगा? नहीं बाद में, मैं यहाँ पर गुंजा के बारे में जानने आई हूँ। जी आप मुझे गुंजा के बारे में कुछ बताएंगे? जब मैं पहली बार उस लड़की से मिला था मुझे उसमें कुछ कर गुजरने की आग दिखाई दी थी, एक जुनून।
आपके सामने अजीत बाबू जो इस क्षेत्र के होने वाले एमएलए हैं, दो शब्द कहेंगे। आइए अजीत बाबू। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है और आज 15 अगस्त ही है और हर साल 15 अगस्त आता है। आज ही के दिन अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था और अंग्रेजों की जगह हम हिंदुस्तानियों ने शासन संभाला था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि जो शासन कर रहे थे वो भी हिंदुस्तानी थे और जिन पर शासन हो रहा था वो भी हिंदुस्तानी थे। अब हम लोग आजाद हैं। सब लोग बोलिए जय हिंद। जय हिंद। अब जो लड़की आपके सामने आ रही है वो एक आदिवासी लुलांग लड़की है जो इस कॉलेज में पढ़ रही है। वो आपको एक स्वरचित कविता सुनाएगी। गुंजा लुलांग। आपके कॉलेज में ये लुलांग लड़की तो एक नमूना है, इसे आपको पिंजड़े में बंद करके रखना चाहिए ताकि लोग पैसे लेकर देखने आवे। आप लोग भी कमाल करते। हम आजाद हैं, ये लोग कहते हैं आजाद हिंदुस्तान में कुछ आजाद कुछ आज भी हैं गुलाम। गुलामी की जंजीरों में जकड़े, होठों पे बोलने की पाबंदी, पैदाइशी हक है हमारा। जंगल की सर्द रातों में जंग लेते हैं, दम तोड़ देते हैं पानी की तलाश में हम लुलांग। लोग कहते हैं हम आजाद हैं, सोचने तक पे पाबंदी, जिंदगी एक बोझ है। हाँ ये सच है, कुछ आजाद कुछ आज भी हैं गुलाम। हम लुलांग, हम लुलांग, हम लुलांग। परिभाषा से किसी विषय के स्वरूप और प्रकृति की झलक मिलती है, लेकिन प्रकरण से अर्थशास्त्र की परिभाषा इतनी विवादस्पद नहीं होती। इसके स्वरूप और क्षेत्र को इसकी विषय सामग्री के द्वारा ही अध्ययन का परामर्श दिया है। अर्थशास्त्र की कुछ प्रचलित परिभाषाओं को हम लोग जान चुके हैं, अब हम अर्थशास्त्र और अपने सामाजिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। दरअसल अर्थशास्त्र को जानने के लिए हमें सामाजिक ढांचे को, उसके स्तर को और अपनी क्षमताओं को जानना होगा। अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन करता है उसके सामाजिक स्तर के साथ। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में एक बहुत गहरा नाता है। तुम बेहिचक जो चाहे पूछ सकते हो गुंजा। तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए आई, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए सर। मुझे बताओ कि तुमने अर्थशास्त्र को ही अपना विषय क्यों चुना? सर आज आपने कहा था ना कि अर्थशास्त्र मनुष्य और उसकी आर्थिक क्षमताओं के बारे में है। हाँ बिल्कुल। सर मैं हमारे अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को समझना चाहती हूँ। शाबाश गुंजा। ए गुंजा, प्रिंसिपल बुला रहा। इस कॉलेज के लिए धिक्कार हो तुम। अपने देश की आजादी पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बदतमीजी के लिए तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। सर मैंने वही कहा जो लुलांग लोगों की हकीकत है। लुलांग, तुम लोग क्या इंसान हो? तुम लोगों को तो जंगल से बाहर ही नहीं आने देना चाहिए। क्या फर्क है तुम्हें और जानवरों में? दोनों ही जंगलों में रहते हो, जंगली। ऐसे घूर कर क्या देख रही है? क्या मैं तुम लोगों से डरता हूँ? चलो जाओ यहाँ से, गेट आउट। और हाँ एक बात याद रखना, फिर कभी नेतागिरी करने की कोशिश मत करना। ठीक था ना जी? तो अच्छा सबक सिखाया आपने। अब ये कभी नहीं भूलेगी कि लुलांग लोग गुलाम थे और गुलाम रहेंगे। मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की सेवा करता रहूं। आप ठीक कहते हैं, लुलांग
अब पढ़ेंगे, ई लोग को अगर शुरू से ही दबाया ना गया तो सर पर चढ़ जाएंगे, तो फिर हमारा का होगा, हमारा समाज का होगा, हमारा देश का होगा, बोलिए। अच्छा तब हम चलते हैं, कोनो काम हो तो हमको बेझिझक बोलिएगा, है ना, आखिर हम यहाँ का होने वाला MLA ना है, चलते हैं तब। कविता बहुत अच्छी थी, जिंदगी की एक सच्चाई थी उसमें, पर मैंने सुना है प्रिंसिपल साहब ने इसके लिए तुमसे काफी बदतमीजी से बात की। जी सर। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर ऐसा क्यों होता है? होता है गुंजा, दरअसल ऐसा ही होता है, ये लोग तुम्हें हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, तुम्हारे सच बोलने से इन लोगों को तकलीफ होती है, ये लोग डरते हैं। गुंजा आज तक तुम लोगों ने सिर्फ जंगल के बाघ से लड़ाई लड़ी है, पर अब तुम्हें इस शहरी बाघ से लड़ना होगा। शहरी बाघ? हाँ गुंजा, शहरी बाघ, हमारे समाज के ये स्वार्थी लोग, और इनसे लड़ना आसान नहीं है गुंजा। ये लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर वक्त तुम्हें फाड़ खाने को तैयार होंगे, इन लोगों की भूख बहुत बड़ी है गुंजा, लेकिन तुम्हें इनसे हमेशा लड़ना है, अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखना। जी सर, मैं हमेशा इन शहरी बाघों से लड़ूंगी और इनका शिकार कभी नहीं बनूंगी। शाबाश गुंजा। चलो सर। हाँ गुंजा। जी। वो तुम एक किताब की बात कर रही थी ना, वो किताब मैंने लाइब्रेरी में देखी है, तुम वहां से ले लेना। अच्छा सर। हम आदिवासियों की समस्या को समझने के लिए हमारे बचपन को पहले समझने की जरूरत है। शुरू से हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमारी पहली लड़ाई है प्रकृति के विरुद्ध। सर्दी, गर्मी, बारिश सभी हमारे बच्चों पर आक्रमण करते हैं। सर्दी में ठंडी हवा उसके शरीर को चीर देती है, बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिलती। इसी सब के साथ जूझते हुए हमारे बच्चे प्रकृति के साथ बड़े होते हैं। घरों में मां का दूध ही बच्चे का भोजन है, कुछ और खाने की बात तो सोच ही नहीं सकते। बच्चे के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद माँ को काम पर जाना पड़ता है, और अगर घर में कोई नहीं हुआ तो माँ उसे साथ ले जाती है। जंगल में बच्चा भूख से रोए तो माँ कहाँ से सुनेगी, और अगर सुन भी लिया तो थोड़ा सा दूध ही दे पाएगी। बचपन से अब तक प्रतिकार करना हमें नहीं आया, बस अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। और पढ़ाई की बात वो तो ना ही करें तो बेहतर होगा। हमारी पढ़ाई अलग है, अपने माँ बापू से, अपने माहौल से सीखते हैं। ए बुधिया सुना, कल टेपी की नानी को बाघ ले गया। सुनती हो गुंजा की माई, बाघ उठा ले गया टेम्पी की ताई को, पानी लेने गई थी। अरे कोई नई बात है का?
हाँ ये कोई नई बात नहीं, यहाँ जंगल में दुई जने रहे, हम और बाघ। कभी वो हमको मारे, कभी हम वो को मारे, लड़ाई चलती रहेगी, देखें कौन जीते। पानी लेने गई, बाघ उठा ले गया। क्यों रे गुंजा, क्या हुआ? तुम्हारा वीडियो आया, इतनी बातें किया, पानी आएगा, यही आएगा, पंप लगेगा, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, एक महीने के ऊपर हो गया। मैं कल ही जाऊंगी वीडियो ऑफिस। अरे शंकर, शंकर, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ सुन रहा हूँ। साइकिल का ट्यूब फट गया है ना? आज नहीं होगा। कल राजशाला में गए थे? नहीं गया था, क्यों जाऊँ? पढ़ लिख का क्या बनूंगा? अच्छा मैकेनिक हूँ, खुद की दुकान है। अरे क्यों, उम्र है पढ़ने का? अरे पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता। जितना पढ़ोगे उतना जानोगे। और जो दुनिया भर के सवाल पूछ पूछ कर तुम मेरा सर खपाते हो ना, फिर वो भी नहीं होगा। यहाँ बैठ के खाली समय में किताब पढ़ के सब जान जाओगे। और हाँ, इससे अच्छे मैकेनिक बन जाओगे, खूब बड़ी दुकान होगी तुम्हारी। बस बस, बहुत बात सुनोगे। अरे ये तो सब कहने की बात है, मुझे ये सब सुनना नहीं। अरे इतना गुस्सा क्यों होते हो? ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो बोलती हूँ। अच्छा देखो, मैं बीडीओ ऑफिस जा रही हूँ, जरा साइकिल को ठीक करके रखना। ए, तूने सुना नहीं, आज नहीं होगा? आज ही होगा, मैं जानती हूँ। मैं समझ रहा हूँ गुंजा, तुम लोगों की गुस्सा बिल्कुल सही। मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया था, मैंने यही कहा था ना कि एक महीने के अंदर पंप लग जाएगा, तो भेज दिया। आप कह रहे हैं कि आपने पंप भेज दिया, और मैं कह रही हूँ कि हमें पंप नहीं मिला, तो आखिर पंप गया कहाँ? अब मेरी जिम्मेदारी तो पंप भेजना था, तो मैंने अजीत बाबू के साथ भेज दिया। कहाँ जा रही हो गुंजा? अजीत बाबू के घर। अरे साला हरिया, इतना कम तेल काहे लगाता है रे? और लगा, और जोर से। ज्यादा तेल लगाने से चिकनाई जल्दी निकलेगी नहीं ना साहब? तेरी खोपड़ी में भेजा है तो हमको मालूम है, लेकिन अखबार से दिखाइयो पड़ता है। देखो देख, देख। हाँ वो हैंड पंप ना। हाँ हैंड पंप। अब शरीर से चिकनाई धोने और तेल साफ करने के लिए पानी की कोनो कमी नहीं है, समझा? तो पंप यहाँ है। अरे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? मालूम है कितना लड़ी थी मैं इसके लिए? तुम क्या जानो हमारी मुसीबतें, मीलों चलना पड़ता है पानी लाने, पर रास्ते में बाघ आ जाए या उस गंदे पानी को पीकर हम मर जाए तो तुम्हारा क्या जाएगा? हमें पानी पीने को नहीं मिलता, पर तुम्हें अपना बदन चमकाना है। वो तुम लोग जानो, जानवरों से मरो या मच्छरों से मरो, अरे तुम जंगली लोगों को एक ना एक दिन मरना ही है, तब बढ़ने से डर काहे के लिए? हाँ जब हम अमले हो जाएंगे ना, तब तुम लोगों का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर। अरे भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमारी हालत और बदतर न करो, और सीधे सीधे पंप लौटा दो, वरना हम। वरना क्या कर लोगे? ये हैंड पंप यहाँ से नहीं हटेगा, जाओ वीडियो के पास जाओ, दरोगा के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, क्या कर लेंगे? अरे हम यहाँ का होने वाले MLA है ना, चलो हमारा टाइम मत खराब करो, चल फोटो यहाँ से। लूरनातूर, चल जमशेदपुर, लगा कसके। मैं क्या इंतजार करूँ? मैं नहीं इंतजार करूँगा पागल लड़की, मैं तो साइकिल बाहर रख के चला जाऊंगा दुकान बंद करके। हो जाने तो चोरी, फिर पता चलेगा। 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा गुंजा को। ऐसी बात करते है जैसे सबकी बात जानती है। हो गया? ए, क्या सोच लिया तूने? मैं तेरा नौकर हूँ, तेरे लिए दुकान खोल के बैठा रहूं। ये कर सकता है? तुम पानी का हैंडपंप चोरी कर सकते हो? तू पागल है? मैं क्या चोर हूँ? चोरी यार मुझसे? पागल नहीं हूँ मैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तू कैसे सोच लिया कि मैं तेरी मदद करूंगा? क्योंकि तुम बदमाश हो सकते हो, पर बुरे नहीं हो।
तुम तो बिल्कुल पागल है। चलो रमेश मैं जा रहा हूँ, दुकान बंद कर देना। सर मुझे मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों दिया जाए? तुम्हें मालूम नहीं 60% से कम अटेंडेंस होने पर किसी को भी एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता? पर सर मैंने तो एक भी क्लास मिस नहीं की, मुझे लगता है कोई गलती हुई है। हाँ गलती तो हुई है तुम्हें इस कॉलेज में जगह देकर। तुम क्या सोचती हो कि तुम इस कॉलेज में अपनी मनमानी कर सकोगी? इसके पहले भी तुम्हारे खिलाफ काफी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अजीत बाबू कह रहे हैं कि तुमने इनके यहाँ से हैंडपंप चुराया है। जी नहीं, गुंजा ने कोई हैंडपंप नहीं चुराया सर, वो हैंडपंप इन्हीं लोगों का था जो अजीत बाबू ने जबरदस्ती अपने यहाँ पर लगवा लिया। आप इनके कहने में आकर के गुंजा का एडमिट कार्ड नहीं रोक सकते हैं सर। फरमा तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप अपने स्वार्थों की वजह से इन लोगों के कहने में आकर के गुंजा जैसी स्टूडेंट का करियर बर्बाद कर दे, उसके सपनों को तोड़ डाले आप। गुंजा लगता है जरूर कोई भूल हुई है, ये क्लर्क बड़े कामचोर होते हैं, मैं खुद देखता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हें एग्जाम से पहले मिल जाएगा। समाज के अस्तित्व से पहले मानव जीवन एकाकी, दरिद्र, जंगली, हिंसात्मक, असभ्य और छोटा था। समाज के निर्माण के पहले प्रकृति की दशा में मानव जीवन की यही झांकी मिलती थी और विषय सामग्री का ज्ञान प्राप्त करना पहले कार्य होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी इसके स्वरूप तथा क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना पहली शर्त है। अपने एकाकी और कठिन जीवन की गुत्थियों को मनुष्य ने धीरे धीरे आपसी सहयोग से सुलझाया। सामाजिक जीवन में मनुष्य की क्रिया का अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं के साथ बहुमुखी संबंध होता है। श्रमिक का आपसी संबंध श्रमिक प्रबंधक, क्रेता विक्रेता आदि के बीच में आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त रक्त संबंध, वंश संबंध वगैरह अनेक प्रकार के संबंध समाजों के लोगों को एक दूसरे के साथ संबंधित करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद गुंजा लुलुंग आदिवासी समाज की पहली ग्रेजुएट हुई। उसके बाद उसे हमारे कॉलेज में नौकरी मिली। साथ ही साथ वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में लग गई। इधर उसका रास्ता रोकने वालों की कमी नहीं थी। एमएलए की ताकत का तो वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। थैंक यू। बीए पास करने के बाद कैसे लग रहा है गुंजा? बीए मेरी जिंदगी का एक ऐसा मुकाम था जिसे पास करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारी पढ़ाई के पीछे किस किस का हाथ रहा? सबसे पहले हमारे गांव के डाक बाबू का। अगर वो ना होते तो शायद ही मैं यहाँ तक पहुंच पाती। और फिर पढ़ाई में मेरी शुरू से रुचि थी। अब आगे क्या करने का इरादा? आगे मैं एमए करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे गांव के लोग खूब आगे बढ़े। पर इससे मेरा ये मतलब नहीं कि वो बीए करें या एमए करें या फिर शहर चले जाएं। वो जागरूक हो अपनी जिंदगी के बारे में, अपने आसपास के बारे में, और इसके लिए पढ़ाई एक जरूरी हथियार है। तुम कहना क्या चाह रही हो गुंजा? यही कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। अब देखिए, सरकार अगर कुछ करना भी चाहती है तो वो मदद हम तक पहुंच ही नहीं पाती। मतलब? सीधी सी बात है, बीच के लोग उस मदद को वहीं खा जाते हैं। जैसे? अब देखिए, हमारे गांव एक हैंडपंप आना था जिसके लिए मैं बहुत लड़ी थी। पीडीओ साहब ने वादा भी किया था, पर वो हमारे गांव ना आकर किसी और के दरवाजे पर है। किसी और के दरवाजे पर? क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? क्या कर लेंगे आप, बहुत ताकतवर है। फिर भी एक बार तो बता दो। अजीत कुमार सिन्हा, हमारे होने वाले एमएलए। साली हरामी,
हमारे ही खिलाफ पॉलिटिक्स करती है। थोड़ा सा पढ़ का लिया, इसका मुंह खुल गया है। पहले तो हमारे सामने से हैंडपंप चुराया, गांव में लगाया, अब अखबार में बोलने लगी है। ये बात अगर हमारे पार्टी अध्यक्ष को मालूम हो जाए तो हमारा टिकट कैंसिल होगा कि नहीं? अजीत भैया, साली बिचौलिया बना रही है आपको। थोड़ा सा पढ़ का लिया, इतना सर पे चढ़ के नाचने लगी। आज अखबार में बोली है, कल रेडियो पे बोलेगी, परसों टेलीविजन पे बोलेगी। इससे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा ना। क्या है ये? ये सच है। सच? सच ये है कि तू पागल है। मैंने कहा था ना उससे दूर रहे। अरे ये जो अजीत बाबू है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी है, छोड़ेगा नहीं, कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने। अरे क्या करेगा, मार डालेगा ना, तो मार डालने दो, इससे सच झूठ हो जाएगा क्या? तू कहाँ जा रही है? तुम्हारी दुकान की तरफ। तो चल। सबक सिखाया आपने। अब ये कभी नहीं भूलेगी कि लुलांग लोग गुलाम थे और गुलाम रहेंगे। सर, सर, पढ़ना चाहती थी, बस अपने लोगों के लिए तो काम करना चाहती थी। मुझे कोई नहीं समझ पाया, किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मेरी लड़ाई किसी काम की नहीं। क्यों की? किसके लिए की? लड़ाई के लिए मुझ में साहस नहीं। ऐसा क्यों किया? मुझे बदनाम कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? नहीं,
अब कोई फायदा नहीं, अब कोई फायदा नहीं। किसको मुंह दिखाऊंगी? जिनके लिए किया उन्होंने ही बदनाम कर दिया। मर गई। एक आशा की किरण उजाला करने से पहले ही खत्म कर दी गई हम लोगों के द्वारा, हमारे इस समाज के द्वारा अपने स्वार्थों के लिए। क्या कसूर क्या था उसका? वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती थी, और हम लोगों ने उसकी राह में रोड़े बिछा दिए, उसे पढ़ने नहीं दिया, उसे एमए तक नहीं करने दिया। लानत है मुझ पर, शर्माती है मुझे अपने आप को शिक्षक कहने में। मैं उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाया। मैं हार गई सर, मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, पर वो हक भी मुझसे छीना गया। आपने बिल्कुल सही कहा था, इस शहरी बाप की भूख बहुत बड़ी है। हार गई सर, मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, पर वो हक भी मुझसे छीना गया। आपने बिल्कुल सही कहा था, इस शहरी बाप की भूख बहुत बड़ी है। आपसे एक विनती है सर, मेरी छोटी बहन को अपना ज्ञान और प्रोत्साहन देकर उसे शहरी बाप से लड़ने के काबिल बनाइए, ताकि जो लड़ाई मैं नहीं जीत पाई वो जीत सके, मेरा सपना पूरा कर सके।
ये ठेकेदार जो गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं उन्हें क्यों नहीं कोई पूछता? जो पेड़ फल देता है क्या हम उसी की जड़ें काटेंगे? ये मैं रख लूं? March 1994. गुंजा लुलांग आखिर क्यों मरी? आज 10 दिनों से मैं उन लोगों को मिल रही हूं जो गुंजा को जानते थे. जितने लोग उतनी बातें. मैंने हर किसी की बातें सुनी और गुंजा की जिंदगी के गहराइयों में झांकने की कोशिश की. क्या गुंजा ने खुदकुशी की? क्या उसने समाज के खिलाफ खामोश इनकलाब किया? क्या वो जिंदगी से निराश हो गई थी या दुनिया की कड़वी सच्चाई का सामना नहीं कर सकी? मैं इन सवालों का कोई ठोस जवाब अब तक नहीं ढूंढ पाई. शायद उसका कोई जवाब है ही नहीं. अगर मैं गुंजा की जगह होती तो शायद मैं भी वही करती. अरे आप लोग यहाँ? तो ये गुंजा की छोटी बहन है. तुम मेरे साथ शहर चलोगी? मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी. गुंजा का सपना तुम पूरा करना. नहीं, मैं यहीं रहूंगी, यहीं पढ़ूंगी. लोग कहते हैं हम आजाद हैं, आजाद हिंदुस्तान में. कुछ आजाद हैं, कुछ आज भी हैं गुलाम. लोग कहते हैं सोचने तक पे पाबंदी है, जिंदगी एक बोझ है. हाँ ये सच है. कुछ आजाद हैं, कुछ आज भी हैं गुलाम. हम लुलांग, हम लुलांग, हम लुलांग.